तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैंने कुछ समय पहले 600 रुपए में मात्र ये 6 बैटरी खरीदा था, लेकिन आज मैंने 600 रुपए में इतना सारा लिथियम आयन बैटरी खरीदा है भाई, और साथ में मेरे को 2 BMS फ्री भी मिला है। तो जानना चाहते हो भाई, इतना सब बैटरी और साथ में 2 BMS फ्री 600 रुपए में, वो भी कैसे मिला है? तो भाई वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भाई कहानी शुरू होता है यहां से। मैं बनाने वाला था एक बड़ा सा लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके लिए मुझे काफी सारा लिथियम आयन बैटरी का जरूरत था। तो उन्हीं सब बैटरी की तलाश में मैं भाई चला गया ऑनलाइन, और हर एक ऐप हर एक वेबसाइट मैंने छान मारा। लेकिन भाई आप लोग को जानते हो, जो ऑनलाइन लिथियम आयन बैटरी बिकता है वो कितना ज्यादा महंगा बिकता है भाई। एक बैटरी 100-150 रुपए का मिलता है। तो इन सब से मैं थक हार के भाई चला गया अपने लोकल मार्केट, और वहां पर एक दुकानदार ने मुझे दे दिया खूब सारा लिथियम आयन बैटरी, वो भी सस्ते में। जी हाँ दोस्तों, ये है लैपटॉप का पुराना बैटरी, जिसके अंदर से मुझे मिलेगा खूब सारा लिथियम आयन बैटरी, और BMS भी मिल सकता है, जिसका यूज करके मैं बैटरी पैक बना सकता हूँ। तो रुको 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 भाई, वीडियो को स्किप मत करना, पहले देख तो लो इन सब बैटरी में से कितना हमें सही और कितना खराब मिलता है, क्योंकि थोड़ा रिस्क तो रहता है इन सब बैटरी में। तो चलिए सबसे पहले इन सब बैटरी का जो कवर है उसे खोल के हटाते हैं और सभी बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, हमने 6 लैपटॉप का पुराना बैटरी खरीद लिया है, और ये एक लैपटॉप का पुराना बैटरी मुझे 100 रुपए का पड़ा है, जिस हिसाब से मैंने 600 रुपए भाई खर्च किए हैं इन सब बैटरी के ऊपर। और अगर इसमें से ज्यादा बैटरी खराब निकलता है तो हमारा पैसे का बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं यार मेरे साथ लगभग हर एक बैटरी सही निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कितना खराब और कितना सही निकलता है। तो चलिए एक एक बैटरी को खोलना चालू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इन सब बैटरी को खोलने में हालत एकदम खराब हो जाता है, और हाथ उत में भाई चोट लगने का बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, तो एकदम हम लोग आराम से करेंगे। मैं सोच रहा हूँ ग्लव्स पहन लूँ, नहीं तो भाई चोट लगता है जरूर हाथ में। तो भाई मैं ग्लव्स लेकर आ चुका हूँ, तो पहनते हैं इसको और फटाफट खोलते हैं। तो भाई ग्लव्स रेडी है, और अब चलिए इन सब बैटरी का पोस्टमार्टम करते हैं। तो गाइस, पहला बैटरी हमने निकाल लिया है सफलतापूर्वक, और इसे भाई काफी अच्छे तरीके से चिपकाया हुआ था हर एक बैटरी को। फिलहाल इन सब को भी निकालते हैं। देखा भाई, अभी अगर मैं ग्लव्स नहीं पहना होता तो ये एकदम घुस गया होता यहाँ पर, इसीलिए भाई सेफ्टी बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर का निशान लग गया है, इसीलिए भाई आराम से करना चाहिए ये सब काम, नहीं तो बैटरी खराब हो जाती है। तो ये लीजिए भाई, हमारा पांचवा बैटरी भी सफलतापूर्वक बाहर निकल चुका है। इसको साइड में रखते हैं, और अब इस 6 बैटरी की बारी है, इसको खोलते हैं, और इसको हम आराम से खोल देंगे क्योंकि हमने इसे पहले ही खोला हुआ था। तो ये लीजिए भाई, ये हमारा 6 बैटरी भी एकदम सफलतापूर्वक बाहर निकल चुका है, और इस वाले बैटरी पैक में हमें 6 लिथियम आयन बैटरी मिलता है, लेकिन बाकी सब में हमें सिर्फ 4 मिलता है, लेकिन वो चारों भाई बहुत ही पावरफुल होता है। ये 6 मिलके उतना काम करता है जितना वो 4 अकेले कर देता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यार, काफी सारा कूड़ा कबाड़ी हो चुका है। तो पहले हम इन सबको हवाले लगाते, उसके बाद इन सबको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, हम लोग हर एक बैटरी को चेक करने से पहले हम लोग इन सभी बैटरी का BMS चेक करेंगे। क्या पता हमें एक दो BMS अच्छा मिल जाए, तो यार हमें बाद में BMS भी नहीं खरीदना पड़ेगा, और उसका भी पैसा बच जाएगा, दोनों तरफ से हमारा ही फायदा हो जाएगा, और उसके बाद भी मजा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट BMS चेक करते हैं इन सबका। तो अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है वोल्टेज पे, और अब हम हर एक बैटरी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से चेक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बैटरी कितना चार्ज है। तो आप लोग देख सकते हो, ये पूरी की पूरी बैटरी 11 वोल्ट तक चार्ज है। तो चलिए अब इसका BMS चेक करते हैं। तो हम लोग BMS का ये वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर P+P- लिखा रहता है, बस हमें वहीं पर अपने इस मल्टीमीटर के वायर को टच कराना है। तो पीछे कर लेते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हो, BMS के अंदर से भी 11 वोल्ट ही बाहर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये पूरा का पूरा बैटरी भी सही है, और इसका जो BMS है वो भी सही है भाई। इस वाले बैटरी में तो भाई हमें फायदा हो गया। तो चलिए अब इस दूसरे बैटरी को भी चेक कर लेते हैं उसी तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो, इस पूरे के पूरे बैटरी में से 10 वोल्ट बाहर आ रहा है, और अब BMS में से चेक करते हैं कितना वोल्टेज बाहर आ रहा है। तो यार आप लोग देख सकते हो, इस BMS में से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब इसका BMS ही खराब था,
जिसकी वजह से लैपटॉप भाई बंद हो गया होगा। तो चलिए अब इस तीसरे बैटरी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरे बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। आप लोग देख सकते हो इसमें पूरा 12 वोल्ट बाहर आ रहा है। और अब हम लोग BMS से चेक करेंगे कि इसमें से कितना वोल्टेज बाहर आ रहा है। तो यार आप लोग देख सकते हो इस BMS में से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस बैटरी का भी BMS खराब है और देखने में ही लग रहा है यार कि इसका BMS खराब होगा। बहुत ही चीप क्वालिटी लग रहा है इसके BMS का। तो चलिए अब इस चौथे बैटरी का भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। और प्लस माइनस पे ध्यान मत देना यार, मैं उल्टा सीधा लगा रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हो इस बैटरी में से भी 13 वोल्ट बाहर निकल रहा है। इसका मतलब कि भाई इसमें का सारा बैटरी सही है और वो भी भाई पूरा फुल चार्ज है। और अब इसका BMS चेक करते हैं, BMS में से कितना आ रहा है। तो भाई देख सकते हो इसका BMS भी खराब है, इसके BMS में से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इस पांचवे बैटरी को भी चेक कर लेते हैं। और भाई आप लोग देख सकते हो इस बैटरी का जो पूरा वोल्टेज है वो 14 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब भाई इसका भी पूरा का पूरा बैटरी सही है और लगभग इसका भी BMS ही खराब होगा। तभी भाई दुकानदार इसको बदल दिया। अरे यार इसका तो BMS भी सही है, तो भाई हमें तो डबल फायदा हो गया। पूरा का पूरा बैटरी भी सही है, BMS भी सही है। और इन दोनों को हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि ये दोनों भाई लक्की है। तो चलिए अब इस छठे बैटरी का भी पावर चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज है। तो आप लोग देख सकते हो इस बैटरी का पूरा जो वोल्टेज है वो 11 वोल्ट है। तो अब इसका BMS चेक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भाई इसके BMS में से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका भी BMS खराब है और इसको हम लोग साइड में रखते हैं। और ये जो दो बैटरी है भाई वो एकदम लक्की है, इसका पूरा का पूरा बैटरी भी सही है और भी सही है। और आप लोग देख सकते हो इसका जो BMS है वो काफी अच्छी क्वालिटी का BMS है। तो हम लोग इस BMS का यूज करेंगे कभी बैटरी वैटरी बनाने के लिए। तो फिलहाल अब हम इन सभी बैटरी को अलग करते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो हमने सभी बैटरी को निकाल लिया है और हमको कुल 600 रुपए में 26 बैटरी मिला है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कितना सही है और कितना खराब है। तो मल्टीमीटर को सेट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट कर लिया है और अब हम लोग जल्दी जल्दी एक एक करके बैटरी चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये बैटरी सही है भाई, इसके अंदर 3 वोल्ट आ रहा है। ये वाली भी बैटरी सही है, ये वाली भी बैटरी सही है। आप लोग देख सकते हो इसमें से 2 वोल्ट आ रहा है, मतलब ठीक ही है, चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। और ये वाली भी बैटरी एकदम सही है, 3 वोल्ट आ रहा है। ये वाली बैटरी भी एकदम ठीक है भाई, ये वाली बैटरी भी एकदम सही है, ये वाली बैटरी भी एकदम ठीक है, ये वाली बैटरी भी सही है, ये वाली भी बैटरी ठीक है, चार्ज करेंगे तो चार्ज हो सकता है, ये वाली बैटरी भी ठीक है, ये वाली बैटरी भी ठीक है और ये वाली बैटरी भी ठीक है। तो भाई इस लाइन में जितना भी बैटरी है वो सब सही है। तो चलिए अब इस लाइन का बैटरी चेक कर लेते हैं। तो ये बैटरी भी सही है, चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। ये वाली भी बैटरी सही है ब्रो, ये वाली भी बैटरी सही है, ये वाली भी बैटरी सही है, ये बैटरी भी सही है, ये भी सही है ब्रो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है यार। तो भाई ये भी सही है, आप लोग देख सकते हो लगभग सभी बैटरी सही निकल रहा है, ये भी सही है। ये वाली ठीक नहीं है ब्रो, ये वाली खराब है, इसको साइड में रखते हैं, ये वाली भी सही है। तो यार आप लोग देख सकते हो इन सभी 26 बैटरी के अंदर से भाई सिर्फ एक बैटरी हमको खराब मिला है और इसको भी हम चाहें तो रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से भाई कोई भी लीकेज नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, तो मैं किसी शॉर्ट वीडियो में इसको रिपेयर करके दिखा दूंगा। फिलहाल इसको हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि अभी तो खराब है। तो इन सभी बैटरी को रखने से पहले मैं इन सभी बैटरी को एक एक करके पूरा फुल चार्ज करके रखूंगा ताकि जल्दी खराब ना हो। तो भाई आप लोग देख सकते हो लगभग सारा का सारा बैटरी मेरे को सही मिला है सिर्फ इस एक बैटरी को छोड़कर। फिलहाल भाई 25 बैटरी एकदम हमें सही मिला है, जिस हिसाब से मुझे हर एक बैटरी का भाई 24 रुपया पड़ा है और साथ में ये 2 BMS तो भाई फ्री में ही मिल गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।